नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टूडियो जीरो डीबी रियाज ब्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड डूइंग योर रियाज विद स्टूडियो जीरो डीबी रियाज ब्लॉग। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ कुछ और पलटों को लेकर, कुछ और रियाज को लेकर। पर आज के एपिसोड्स को मैंने थोड़ा डिफरेंट सजाया, कुछ इसी तरह के सजाया ताकि मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं टू सिंग अलोंग विद मी, आज तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे दोस्तों का, वो आपको सिखाएंगे कि उन्होंने कैसे पलटू को तैयार किया। आज तो मेरा छुट्टी है, आज तो मेरे दोस्तों ने डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि कैसे उन्होंने हर हफ्ते रियाज किया और कैसे उन्होंने पलटे को तैयार किया, वो डेमोंस्ट्रेट करेंगे। और आज हम सब मिलके वही रियाजों को करेंगे, शेयर करेंगे। उन्होंने बनाया और मैं उन्हीं के बनाया हुआ रियाज पर प्रैक्टिस करेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज मिलते हैं मेरी चार दोस्तों से। चलिए आज मेरे साथ मेरे चार दोस्त हैं। तो पहले मैं ऋतुपर्णा के पास आती हूँ। कुछ बनाया आपने क्या? हाँ, थोड़ा कोशिश किया। तो बहुत अच्छा है। आप मुझे थोड़ा सुनाइए, क्या बनाया आपने? सा पा मा गा रे। ये सा पा मा गा रे कैसे आपने सोचा? ये सा पा मा गा रे इसका फॉर्मूला क्या है? 1 5 4 3 2। अच्छा, फिर एक बार बताइए। 1 5। अच्छा, मैंने आप सा को 1 कंसीडर किया। हाँ, ना सा को 1 कंसीडर किया, पा को किया 5 ने। बाबा बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, मा को 5? किया 4 ने। अच्छा, गा को किया 3 ने और रे को किया 2 ने। तो क्या आया? सा पा मा गा रे। सा पा मा गा रे। तो अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ सत्यव्रत। कैसे हैं आप, बताइए पहले। रियाज ठीक ठाक चल रही है ना आपका? अच्छा ठीक है। तो आप सुना ना रितु जी ने क्या बताया, कैसे उन्होंने फर्स्ट लाइन को प्रिपेयर किया। आपको कुछ आइडिया है कि सेकंड लाइन कैसे जा सकता है? तो सेकंड लाइन में रे को 2। हाँ, धा को 6। रे को 2, धा को 6। हाँ हाँ, जैसे कि 1 था सा पा, 1 5 था, 1 5 था, तो यहाँ पर 2 6। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद 5 4। हाँ? 3। अच्छा, मतलब तो मतलब रे। हाँ, तो ये ऐसा आ रहा है कि रे धा पा मा गा रे। अच्छा, सा पा मा गा रे, फिर रे धा पा मा गा। वाह, बहुत अच्छा बनाया आपने। फिर तुम कुछ बोल सकते हो ताकि ये देखो, ये दो दादा और दीदी ने किया, फिर उसका थर्ड लाइन कैसे आ सकता है? गा नी धा पा मा 3। हाँ बोलो। 3 6 6। अच्छा हाँ, 3 6 5 4। गा धा पा गानी धा पा मा। ओके, सा पा मा गा रे, फिर उन्होंने कहा रे धा पा मा गा, गानी धा पा मा। आपको सुर का देखिए क्या है, जैसे कि आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ तानपुरा, नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ हारमोनियम। तो मतलब आप देखिए, जब आप गा रहे हैं ना, आपका सुर पिच थोड़ा डाउन आ रहा है। सा पा मा गा रे, सुर को ध्यान में रखते हुए देखिए, रे धा। कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप गा रहे हैं रे धा पा मा गा, पर आपको पता नहीं, यू आर नॉट सीइंग द नोट्स, यू आर नॉट फीलिंग द नोट्स, ओनली यू आर सिंगिंग द नोट्स, बिकॉज आपका गुरुजी ने बताया और आप खुद ने तैयार किया कुछ, और ये वैसे गा रहे हैं हारमोनियम के हेल्प लेकर गा रहे हैं। पर देखिए, जब यू आर सिंगिंग ओनली विद द हेल्प ऑफ तानपुरा, देखिए नोट्स थोड़ा हील रहा है। सा पा मा गा रे, रे धा पा मा गा, गाने देखिए, गाने गाने धा पा मा मा, देखिए लैंडिंग नोट देखिए, मा गाने देखिए, और गा और नी के बीच का मा पा धा, ये तीन नोट स्किप करके आप नी पर जा रहे हैं।
तो बहुत सारे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके नोट्स के ऊपर। तो जितनी बार हो सके आप उसको पहले स्लो गाइए, स्लो रियाज करिए, कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। देखिए आपने, आप दोनों ने करीब ठीक ठाक गाया सुर में। जब प्रभाती जी ने ट्राई किया तो देखिए सुर थोड़ा नीचे से जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे बताया कि ताकि आप सबको, मैंने इसको बताया, मतलब सिर्फ इसको नहीं बता रहे, मैं सबको बता रहे कि जब कोई पलटों का रियाज आप करेंगे, पर पहले जब आप सा पाठ का रियाज करेंगे, बहुत डू इट वेरी स्लोली, थिंक एंड सी द नोट्स। सा पा मा गा रे, हमने बहुत सारे पलटों का रियाज कर लिया पिछले कुछ एपिसोड्स में, बस अब तो टाइम आ गया कि सोच समझ के करने का, सोच समझ कर। रे धा पा मा गा गाने, अब बताओ गाने, गाने, वेरी गुड, गाने धा पा मा, गाने धा पा मा, गाने धा पा मा, मेरे साथ गाइए गाने धा पा मा। आपका कुछ आइडिया है फोर्थ लाइन क्या आ सकता है? आप माइक थोड़ा मुंह में लेके बोलिए। आप सोच समझ कर बता रहे हैं या आप कुछ देख के बता रहे हैं? आप ठीक से बोलिए, क्योंकि सब सबने देख रहे हैं आपको। मासा नी धा, जैसे कि माँ, माँ को हमने फोर कंसीडर किया, ओके। मासा, अब गाइए मासा, 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 मासा। हाँ, ये देखिए पहले बार उन्होंने क्या किया, मासा, ऐसा नहीं होना चाहिए सा को, सा, वो सा, जैसे कि मैंने एक एपिसोड में आपको बताया ना कि सा होना चाहिए एक सिंगल इंडिविजुअल नोट्स, सा, ताकि ऊपर का सा भी सा 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 सा, मा सा, समझ गया, मा सा नी धा पा, गाइए मा सा नी धा पा, पा रे सा नी धा, आप गाइए, फिर गाइए पा रे सा नी धा, फिर धा गा रे सा नी, आप ही गाइए धा गा रे सा नी, फिर नी मा गा रे सा। इसके बाद इसका डिसेंडिंग आप बता सकते हैं, क्योंकि ये पलटा आप खुद तैयार किया, इसलिए पूछ रही हूँ आपको। सा मा पा धा नी, कैसे हुआ ये सा मा पा धा नी? डिसेंडिंग में भी वही वन फाइव, सा मा पा धा नी, फिर दूसरा लाइन गाइए आप, नी गा पा नी मा पा धा, और एक बार गाइए नी गा मा पा धा। बस सुर तो बहुत अच्छा लगा, आप ट्राई कर सकते हैं। अगली लाइन क्या होगा? धा रे गा मा पा, नहीं धा 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 धा। देखिए मैं हारमोनियम प्ले करती हूँ, मा पा धा नी, फिर नी गा मा पा धा, फिर धा रे धा, धा रे धा, रे धा रे गा मा पा, फिर पा सा रे गा मा, पा सा रे गा मा, बोलिए सा रे गा मा, मा नी सा रे गा, बोलिए ध्यान, बहुत ध्यान से सुनिए, मा नी सा रे गा, मा नी सा रे गा, बहुत अच्छा, फिर गा धा नी सा रे गा।
रे पा धा नी सा रे धा पा नहीं नहीं रे पा धा नी सा। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ दिस पाल्टा, टुडेज फर्स्ट पाल्टा ऋतु जी ने तैयार करके हम सबको दिखाया, सिखाया, हमने सीखा आपसे, थैंक यू वेरी मच। तो हम अब ये पलटों का रियाज करेंगे ताल के साथ, हाँ ताल के साथ रियाज करेंगे। वन टू, वन टू थ्री फोर, सा पा मा ग रे, रे धा पा मा रहे हम, वहां क्या टू थ्री फोर, सा पा मा ग रे, रे धा पा मा गा, गा नी धा पा मा, मा सा नी धा पा, पा रे सा नी धा, धा गा रे सा नी, नी मा गा रे सा, सा मा पा धा नी, नी गा मा पा धा, धा रे गा मा पा, पा सा रे गा मा, मा नी सा रे गा, गा सा नी सा रे, रे पा धा नी सा, सा पा मा ग रे, रे धा पा मा गा, गा नी धा पा मा, मा सा नी धा पा, पा रे सा नी धा, धा गा रे सा नी, नी मा ग रे सा, सा मा पा धा नी, नी गा मा पा धा, धा रे गा मा पा, पा सा रे गा मा, मा नी सा रे गा, गा धा नी सा रे, रे पा धा नी सा। रिंकू जी आप भी कुछ सुनाने वाले थे, तो कुछ किया? वन टू थ्री फोर, सारे गामा सा, वन टू थ्री फोर, वन वन। अच्छा मतलब इट्स इज अ वेरी इजी, वेरी इजी फॉर्मूला। हाँ तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। वन टू थ्री फोर, वन बोला, सारे गामा सा, रे गा मा पा रे, गा मा पा धा गा, मा पा धा नी मा, पा धा नी सा पा, धा नी सा रे धा, नी सा रे गा नी, सा रे गा मा सा, सा नी धा पा सा, नी सानी धा पसा। थैंक यू
यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू. आप दोनों ने ही बहुत अच्छी तरह का अच्छी तरीके से दो दो पलटे को निभाया. हमने सीखा उन दोनों से. तो आज का एपिसोड्स में हमने सीखा कैसे पलटों को बनाया जा सकता है फॉर्मूला के ऊपर बेस करके. तो आज ये दो पलटा का रियाज हमने किया. अगले दिन सत्यव्रत और प्रभाती राणा से हम कुछ सीखेंगे. ये दो हमारे बहुत ही अच्छे म्यूजिकल फ्रेंड्स हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छे गाने के लिए. तो अगले दिन अगले एपिसोड्स में इन दोनों ने सिखाएंगे सुनाएंगे खुद पलटों का तैयारी करके आएंगे. तो हमारे साथ और भी एक छोटा म्यूजिकल फ्रेंड है. बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं सीखने का. वो है शुभांगी देव, हमारे साथी है, मेरे साथ है. वो सीख रहे हैं. जब टाइम आएगा तो उसे भी हम गवाएंगे. अब तो वो बहुत छोटा है, वो सीख रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं कि म्यूज़िक कैसे होता है, कैसे गाया जा सकता है. तो आज के लिए बस इतना ही था. अगले दिन फिर हाजिर होंगे कुछ और पलटों को लेकर, कुछ और रियाज को लेकर. साथ में मेरे साथियों रहते हैं हर रोज़ मेरे साथ, अगले दिन भी रहेंगे. तब तक के लिए बी सेफ, हेल्दी. डू नॉट फॉरगेट टू वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर, कीप सोशल डिस्टेंस एंड हैव अ वंडरफुल म्यूजिकल जर्नी विद स्टूडियो जीरो डीबी रिहाज ब्लॉग. नमस्कार. Studio 0DB Audio Visual.